व्यूअर्स, आप सभी को नमस्कार। श्याम बॉयज टीम अभी जहाँ है, ये नमसिंग ये है विलेज है, ये 39 ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक बस्ती है। तो आप लोग को बता दूँ, ये पीछे पे है आपका ओकेन तायेंग जी है। तो आप लोग को जो नहीं जानता है उसके लिए हम थोड़ा बता रहा है, ओकेन तायेंग जी कौन है। ओकेन तायेंग जो है आपका नेशनल टूरिज्म एडवांस एडवाइजरी काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेंबर है और एडवेंचर टूर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल बॉडी फॉर एडवेंचर टूरिज्म तो चैप्टर ये आपका मैनेजर है, ये आपका तायेंग सर। और व्यूअर्स आप लोग को बता दो, ये तायेंग सर जो है हम लोग का अरुणाचल में एक बोले से पास टूरिस्ट ऑपरेटर है और नेशनल रिनाउन है। और आप लोग को ये भी बता दो, इस बार ये अमेरिका का ये में आपका एम्बेसडर भी आया और अरुणाचल गवर्नमेंट भी आया, वो पासीघाट में नई ये वर्ल्ड वॉर टू का जितना यहाँ पे हम लोग का इंडिया पे अरुणाचल पे जो प्लेन क्रैश हुआ उसको ऑलमोस्ट 20-30 प्लेन को रिकवर करके इंडियन गवर्नमेंट को दिया, अरुणाचल गवर्नमेंट को दिया। पासीघाट में एक ये आपका म्यूजियम खुला है। तो इस बार ये तायेंग सर जो है आपका एस्पिरेंट कैंडिडेट थे 39 के लिए, इस बार उसको नहीं मिला, फिर भी उसका ये नामसिंग परेड में आज उसको बहुत 1000 आदमी जो है उसको रिसीव किया। वो पब्लिक क्यों रिसीव किया उसे जानना चाहेगा और आज का ये गैदरिंग में वो क्या डिसाइड किया उसको भी जानना चाहेगा और बोसी का आदमी जितना उसको सपोर्ट कर रहा है उसको भी जानना चाहेगा, उन लोग क्या चाहते हैं। ओके बियर्स, ओके सर, आप यहाँ नामसिंग विलेज पे आज आया, देखा है आपको रिसीव करने के लिए यहाँ मोर देन 1000 ये पब्लिक सपोर्टर लोग आया। तो आपसे ये जानना चाहेगा, व्यूअर्स ये जानना चाहेगा, आज का ये गैदरिंग में पब्लिक गैदरिंग में आपका ये में आपका सपोर्टर बहुत आया, आपका क्या डिसीजन लिया उसको हम जानना चाहेंगे। अभी ऐसा कुछ फाइनल डिसीजन तो नहीं हुआ, लेकिन नंबर वन मेरा एज ए एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स में कदम रखने का बात ये था कि अभी जैसा एक एग्जाम्पलरी गवर्नमेंट है हम लोग का पेमा खांडू जी का अंदर में, मैं उसका एक भाग पार्टिसिपेंट बनना चाहता था, इसीलिए मैंने यहाँ आया था। तो हमारा टिकट का भी एक्सपेक्टेशन था, हमारा बहुत एक्सपीरियंस था, तो पर्सनली मेरा भी एक्सपेक्टेशन था। तो मैंने इन लोगों को भी आगे बताया कि टिकट जरूर मिलेगा और मिलके आप लोग के आपका आप लोगों का सर्विस में मैं काम करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिकट हमको नहीं मिला। तो मैं इतना ही उन लोगों को आके दिखाना चाहता हूँ कि टिकट नहीं मिलेगा बोल के मैं गायब नहीं हो जाऊँगा, मेरा रेस्पॉन्सिबल आप लोग का प्यार से मैं हट के नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ में रहूंगा, बार बार आऊंगा, जब भी जरूरत होगा मैं उनके लिए हूँ, ये आश्वासन देने के लिए मैं आया हूँ। ओके सर, ये हम थोड़ा पहले यही कह रहा था सर, देखिए आप फॉरेन कंट्री पे भी आपका लिंक है, आपने ये अरुणाचल पे एक जो लोग हम बोल के आपके म्यूजियम खुला है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर में जो प्लेन क्रैश हो उसको आप इतना ये रिकवर किया, इंडियन गवर्नमेंट को दिया, अरुणाचल गवर्नमेंट को दिया। सर आपका तरफ से ये हम लोग का सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेशन हुआ, टूरिज्म यहाँ बहुत एक्सप्लोर हुआ। तो सर आप अगर इलेक्टेड होता है तो और फ्यूचर में एमएलए बनता है तो ये फील्ड में लेके आपका क्या प्रायोरिटी रहेगा? ना मेरा तो पर्सनल एक्सपर्टीज मेरा टूरिज्म है, मेरा टूरिज्म बैकग्राउंड, मैं लास्ट 20-25 इयर्स टूरिज्म सेक्टर में काम कर रहा हूँ। अभी एक नेशनल एडवाइजर के तौर पर मैं अभी करेंटली मेरा पोजिशन है। तो आपने जैसे बोला, मैं इतना अपने से ब्रॉडकास्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ऑल ओवर अरुणाचल ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट ऐसा बहुत यूथ जो है जो मेरा अंदर में काम किया, मेरा मेंटरशिप में काम किया और उन लोगों ने भी मेरे को, हमने जितना उनको हेल्प किया उनने भी हमको मेरा हमको भी उनने भी हेल्प किया। लेकिन यहाँ में हम लोग का यहाँ में बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा स्कोप है जिसको हम लोग टेप नहीं कर पाया टूरिज्म में स्पेशली। तो हमारा जैसे ये अभी नामसिंग के नीचे बेल्ट में बर्डिंग का भी बहुत बड़ा चीज हो सकता है, रिवर रिलेटेड एक्टिविटी बहुत हो सकता है, हमारा कल्चर भी इतना स्ट्रॉन्ग है, फेस्टिवल वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अनलिमिटेड स्कोप है हमारा। तो मेरा एक भी मेरा ड्रीम था और ड्रीम है कि मैं अगर एमएलए बनू ना बनू ये काम मैं करने जा रहा हूँ और करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है सर, देखिए जहाँ का ये हम लोग का तायेंग सर जो ऑनरेबल एमएलए जो है यहाँ पे 35 ईयर शासन किया, तो पब्लिक भी ये बोल रहा है, उन लोग का भी पेडअप हो गया, उन लोग भी न्यू पेज चाहिए बोल रहा है। और सर ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट को लेके जैसे कि तारतमार ब्रिज को लेके ये रूट के लिए उन लोग का बहुत एक रिसेंट है, उन लोग में हम लोग का एमएलए के ऊपर बहुत में डिससेटिस्फाई है। सर अब एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट ये मैं डेवलपमेंट को लेकर आप क्या नज़र में देख रहे हैं? नहीं अभी काम तो ऐसा नहीं कि उनने बिल्कुल काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने भी काम बहुत किया है, कोशिश भी किया है, लेकिन डेमोक्रेसी में आपका बैरोमीटर, आपका सक्सेस का फेलर का बैरोमीटर पब्लिक का वॉइस होता है, पब्लिक का ओपिनियन होता है। अगर पब्लिक फील करता है कि आपने काम नहीं किया तो वो सच है, अगर पब्लिक फील कर रहा है कि आप काम किया
तो वो भी सोचे। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, हमारा जो भी यहाँ का लीडरशिप है, हाई कमान है, डेमोक्रेसी में हमेशा वॉइस ऑफ द पीपल उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारा डेमोक्रेसी का पिलर है हमारा पब्लिक लुक, हमारा वोटर्स लुक, ग्रास रूट का आदमी लोग का वॉइस को जो है कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द कंट्री। ओके सर, ये एक फैक्ट है और मेन पॉइंट भी है सर। देखिए हम लोग का जो ऑनरेबल एमएलए जो है 5-6 डेज में वो आप लोग का बीजेपी टिकट को ले लिया, तो हम लोग का सुन रहा था ऐसे इंटेलिजेंस में सुन रहा था आप लोग का ये 39 में 5-6 एक्सपीरियंस कैंडिडेट था, लेकिन आप आपका लिस्ट जो पास पे था, लेकिन लास्टली आपको सर नहीं मिला और तायेंग सर को मिला, उसका वजह क्या है? नहीं, अभी ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया, लेकिन हम तो एक बहुत छोटा सा बहुत ही छोटा सा मामूली कैंडिडेट है, क्यों मैं रिसेंटली बीजेपी में ज्वाइन किया हूँ, लेकिन हमारा होम मिनिस्टर को नहीं मिला, दो तीन सिटिंग मिनिस्टर को नहीं मिला, वेटरन एमएलए को नहीं मिला, इसलिए ऐसा कुछ खास दुख का बात नहीं है। लेकिन मेरा बात है कि ये मेबो जो है हम लोग का अपना यूनिवर्स है, तो हम लोग को नहीं मिला मैंने हम लोग के लिए बहुत दुख का बात है, ये तो हम लोग फील करता हूँ। लेकिन कंसोलेशन ऐसा है कि हम लोग को आइसोलेटेड करके कोई टारगेट करके ऐसा कुछ हुआ बोल के ये फीलिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ। ओके सर, ये भी अभी बहुत ट्वीट कर रहा है पब्लिक, ये बहुत लिख रहा है जैसे कि बीजेपी का आइडियोलॉजी जो है सिस्टम बहुत ये है, ये कैडर सिस्टम में देखता है, बोला सर इस बार ऐसा नहीं हुआ सर, अब एक रिनाउंड आदमी है, एक एजुकेटेड कॉन्शियस आदमी है, उसको लेकर आप क्या बोलते हैं बीजेपी को? नहीं, बीजेपी का हम लोग का जो आदमी लोग का बीजेपी का जो उनका जो आइडियोलॉजी जो हम लोग समझते हैं और सुनने में आता है कि आपका जो वफादारी, आपका जो लॉयल्टी और आपका लॉन्ग टर्म आपके डेडिकेशन को रिवॉर्ड करता है बोल के, तो जो भी वेटरन यहाँ के लीडर्स है, हम तो नया है जैसे बोल रहे हैं, हमसे भी सीनियर वाला आदमी लोग है और बाकी दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट आदमी है, तो रेशन हम लोग लॉजिकली जो बीजेपी का आइडियोलॉजी को हम लोग सुनने में आ रहा है कि उनको जो वेटरन है जो पार्टी में काम किया उनको प्रायोरिटी दिया जाता है, लेकिन अभी हरेक ऑर्गेनाइजेशन में उनका थोड़ा रिवैम होता है, कुछ पॉलिसी मॉडिफाई होता है, सो मे बी दिस इज पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, लेकिन ये सरप्राइजिंग वाला चीज हो गया और कोई कोई आदमी के लिए शॉक वाला भी हो गया। ओके सर, क्या बोलते हैं जैसे कि सर आज ये आपका ये सपोर्टर लोग आपका नाम को नारा लगाया, स्लोगन बोला, आपको जिंदगी बोले, तो सर जो भी हो आप आज डिक्लेरेशन तो नहीं किया लेकिन आने वाले दिन में आप करेगा बोला सर, फिर भी आप एडवांस में क्या बोलते हैं और आप उतना है तो आपको सपोर्टिंग करने के लिए एंटायर यहाँ का पब्लिक के लिए आपका क्या अपील होगा आपको वोटिंग करने के लिए? नहीं, ये अभी देखो इलेक्शन कंटेस्ट करना मजाक बात नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है और इमोशन में यस या नो बोल देना बहुत इमेच्योर होगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा अभी डिस्कशन करेंगे हमारे सीनियर लीडर वेल विशर को और हमारा ग्रास लेवल का हमारे जितना भी सपोर्टर्स है उनको हम लोग डिस्कसेस करेंगे, लेकिन मैं यही बोलूंगा मैं जीतो या हारो, कॉन्टेस्ट करो या ना करो, हम यहाँ से गायब नहीं होगा, मैं हमेशा अभी आप मिलना जुलना रहेगा, मेरा तरफ से मेरा कैपेसिटी जितना डेवलपमेंटल वर्क वेदर एज एन एमएलए और एज ए नॉन एमएलए मैं बिल्कुल 100% मैं डेडिकेट करके रहूंगा। ओके, बहुत अच्छा बात। ओके व्यूअर्स, ये एक रिटायर ऑफिसर है पुलिस का, उससे जानना चाहेंगे, वो पार्टिकुलर ये बस्ती का नेटिव है, तो सर आपसे जानना चाहते हैं फौजी में पुलिस में आप रह लिया, अब ये इंटर अरुणाचल में बोसी में हम लोग घूमता है, बोसी का आदमी लोग मैक्सिमम आदमी लोग बोल रहा है इस बार सोसाइटी में मोनी कल्चर नहीं होना है बोल के, ये बात बहुत चल रहा है, तो पकड़ लीजिए जैसे कि सर भी अभी डिक्लेरेशन नहीं है, वो अपना कैपेसिटी को भी आप लोग का सामने में रखा है, ये उसमें बहुत पैसा वैसा का पीजी के लिए मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट बहुत है, सर आप क्या बोलते हैं एज ए पुलिस ऑफिसर होके आप लोग का बोसी में अगर किसी कैंडिडेट को आप लोगों को चॉइस करता है तो मोनिका सर को लेके पैसा नहीं लेने नहीं लेने का बात में आप क्या बोलता है? थैंक यू वेरी मच। इस बार का बारे में शुरू से थोड़ा बोलेंगे, आपका क्वेश्चन तो जस्ट अलग से जाएगा। इस बार हम लोग का गांव वाले जितना पुराना बीजेपी यानी कि पहले का बीजेपी को बहुत पसंद करके पूरा सारा पहले का जो कांग्रेस था वो भी ज्वाइन कर लिया था, सॉलिड ज्वाइन करके 80% हमारा बीजेपी में ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद एक्सपीरियंस भी यहाँ आया, जितना हमारा से एक्सपीरियंस आया सभी को हम लोग पसंद था, हम लोग सोचा था सीएम साहब एटलीस्ट एक को चुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी हमारा गांव बहुत दुख में है, हम लोग सोच रहा है और गांव वाला को भी ये कैंपेन करूंगा जब समय आएगा, अभी तो कोई भी स्टैंड नहीं हुआ है, जो स्टैंड करेगा उसको हम लोग यहाँ कैंपेन करेगा, जो एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट उठेगा उसका साथ हम लोग सारा बस्ती साथ देगा और बिल्कुल पैसा वैसा का बारे में बात नहीं करेगा, जितना भी हो इस बार हम लोग लीडरशिप चेंज करना है और हम लोग जो अभी बीजेपी पुराना वाला बीजेपी पार्टी
से जो एक्सपीरियंस था जो भी उठेगा उसका साथ ओके सर ओके व्यूअर्स ये सर जो है यूनिफर्टिंग सर है वो तिरप चांगलांग का आपका फॉर्मर आपका ये है इंचार्ज था तो सर से भी जानना चाहेगा ये आज यहाँ ओकेन तायेंग सर का ये पे पार्टी पे वो ये आया और पब्लिक को भी उसका आइडियोलॉजी सिस्टम तायेंग सर के बारे में वो बहुत एडवाइस किया तो आने वाले समय में ये सर जो यूनिफर्टिंग सर किसको सपोर्ट करो ये जानना चाहिए सर अगर ये तायेंग सर और ये उत्ता डिक्लेयर करता तो आपको किस साइड पे आप रहेगा सपोर्टिंग थैंक यू सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम जो है ये हमारा नाम सिंह गांव की इकाई से उसका आयोजित किया हुआ है यहाँ हम लोग का टिकट धोर के लिए तो छे हम लोग का उम्मीदवार था हमारा तरफ से जो पुराना बीजेपी जो कहते हैं तो फिर उनसे टिकट नहीं मिला तो यहाँ देखा है तो छः का छः था लेकिन पाँच तो अभी गायब है तो उसमें नामसिंह वालों उन लोग का सुनना ये है कि हम लोग कम से कम अपना जो नेता है उसको एक कार्यक्रम रख के उसको बुलाया जाना चाहिए ठीक होगा सही होगा इसलिए आज उन लोग एक प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है इसमें तो आज ना कि इसमें कुछ कैंडिडेचर का घोषणा होगा कुछ इसमें कैंडिडेचर का ये कुछ ऐलान होगा ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है आज सिर्फ उन लोग का चेहरा अपना जो केंद्रीय रोकन तायेंग देखा है वही ओके सर ये तो सही बात है फिर भी सर आपका पार्टिकुलर एक आपका नजर पे तायेंग सर कितना फीट है तायेंग सर देखिए हमारा अरुणाचल में गुजरगुल लोग भी अभी तक एमएलए है कोई लोग है कि 70 उम्र का भी है लेकिन उस समय में उन लोग का भी एक समय थे उन लोग का समय गुजर गया अभी जैसे कि हम लोग का यहाँ में जो 5 स्पीड से जो चलना चाहिए उस दिमाग को उस थीम में ओकेन तायेंग सबसे फीट है अमंग अरुणाचल किसी को भी बोलो ओकेन तायेंग का नाम तो उसी से गायब नहीं होगा हम लोग चाहते थे कि वो एक अनुभवी ये है एक नेता नहीं कहूंगा अनुभवी एक टूरिस्ट एक्सप्लोरर है उसके बाद में उनका जुड़ाव संपर्क अपना सरकार के मुख्यमंत्री के साथ थे और डीसीएम के साथ थे और बहुत जो दफ्तर जो है उनके साथ में ऐसा करके उनका काफी अनुभवी जो डेवलपमेंट का विकास और तरक्की का तौर पर जो लाते हैं उसको देखते ही हम लोग सोचे थे कि ये अपना स्थानीय क्षेत्र मेबो क्षेत्र के लिए विधायक ये क्षेत्र के लिए वो वोट अगर उनको इलेक्ट किया जाए तो कल को तो जो जो लैप्सेस है जैसे कि मेजर बहुत डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पे करना है तारोतामक रोड जो है अभी तक कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ब्रिज भी नहीं है और उसका प्रोग्राम हम लोग बनाया था कि ओकेन तायेंग उसको कर पाएगा लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि हम लोग को टिकट नहीं मिला तो अभी अगला क्या कार्यक्रम होगा और क्या तय करेगा उसका क्या सोच विचार है केंद्रीय जी का उसको तो अभी बोल नहीं सकता है सही 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 Okay, thank you.
Delo inko si election si wok abang kidar pagi wok akhir kidar manam kisa. Ha amna mugisag la emotion loge apu minam loge iye ba imaye amna bukan mana masti ko anyo ko me mengkila nolo bulu tap kilang kula nolo bulu apu me kang kilang kula ila disaip pana masti ko. Ha amna ikbal lo ikan mang ha amna imaye amna ko ikan mang ilai ko ikan mang idola. Ngok minam ko pagi Obin dulu ke mana kita? Golum election no ke golum downfall imon ne. Golum dona patong murkong, murkong dalam ke edungarang, dekat loge golu downfall idungku. Ngong mui nama hupak ko mema aye golu awal lagi mah. Ek mui nama patong si mengol awal lama ko open nak amae, awal lama ko pas 2000, 1,000,000 dem lama ko mengolu kenola si mae mula golu takam aropak dem apu dem lengkam itu problem kama golu jikilai. Anu ko golu. Anu yang ko, aini lidar ko langgar dulu, kampungnya batang ko ngulu ko, kaboy ko emda mengidola ngulu hilo, aini nasinya hanya ko ne mengulu kampung ko masala ju, buka kana mengko tadi pay biasa mka aini tu boleh deh, buka humputi o mahi ati hi, I public ko humputi eh, public pun ngulu grassroot level eh, kampung pun Oken Tayeng simbol ko ngulu langgar bud, arakan langgar bud dan bibi donga hilo, apa ne 24 longgal lo. Aye, arah kana langgane ini menilang bela mula kapila cikimae, aye nelongan ko aye, mula make ringa kahut oka, bela school bela engko ko kadul, teacher ko gomkamang, medical ko moto dengom yarom, nurse ko gomkamang, kencuk ko lagi tu, ilang mula angkut gila gila itu bongko lor, gadine BJP ikut gula ikut la mala 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 ko lor, kapai mula aye mula meboya him, pai mengo, minggal hodu, pai bu, muluk de, develop minem. Muluk area kapur nak ko, mulam ayah nak ko bu, ayah langgup ko lagap, area lagap angku nak ko, ini mem, bye, nombu special nombu request eh, pangmilo, no, ayah hula, mulu takam kita mibur la, nok ke mingkur no, mingkur bolang ka, muluk ke takam kita lagap no. Ini istilah labulang ker, eh. Nama, nor utipa mungkin melakukan, pura dekana takkan memesis menami pelang, utipolang ker, utipol, utipol dua mengemla mudongai, utilang ker, mlangai apa hi mudongi dokum, kani takkan apa yang kamang, takkan apa angwang mudong, hilo hikap rabi-rabi pelang, nyampo ponyoku melatel isuiku, ngolu ngolu ngoke buat atel kom indopain, aku nempamai, dekak biam dem, takkan mengehut mengela idolat. No, pahinnya lah misu toka. Ipalang, nolum him anatakan him kom request dong. Nolu, hingga pun hilo okay no habodong mulo, no ibodong mulo. Emla menatakan menol mudo mulo, mengkahulang kah? Atu nolu nokin dekak kopai dekak iye emla muma pe. Nol himro nol utai pe emla nol mubo hulak apa kisah? Nol nolu ke MLA ko nol iye MLA ko iboye emla mudo de. Dekana apa yang gagap jola menggap jola, nolu mangol imonmu ya emla mula nol takam apa yang lekomulo, nolu emele dem bonai huyai, nol dem isulado, idokom apa yang lekomang, election semua ay ku emlekomimang imulo nol emele dem puram ikuken, bangai, ina me last no kala kala ina marap aku develop yang kamang, iskulam dila katung tisar kamang, iskul katung tisar kamang. Engko sabsen para mobidu idolang ulu ke doktor yang kaman. Thank you kadung asik kaman arapo. Mimin arapo mibaru namko. Yen aku sarang yen dak bong. Tahu tamak dalong adilaku mobil mak. Engko molet molet dung. Digol dalong moladu. Bagi bil dalong moladu. Kapikan tahu tamak molat mar emna arapo ngogom.